नमस्कार दोस्तों, इस बात से तो सभी परिचित हैं कि माथे पर तिलक लगाने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। धार्मिक आयोजन हो या फिर मेहमानों का स्वागत करना हो, सभी में तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति होने लगती है। वहीं जिस तरह से सप्ताह के सातों दिनों का अपना अलग महत्व होता है, उसी प्रकार हर दिन तिलक का भी अपना अलग महत्व होता है। ऐसे में दिन के अनुसार माथे पर तिलक लगाने से देवी देवताओं की असीम कृपा आप पर बरसती है। तो आइए जानते हैं दिन के हिसाब से माथे पर कौन सा तिलक लगाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सोमवार की। तो जैसा कि सभी जानते हैं, सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है। इस दिन के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। ऐसे में सोमवार के दिन सफेद चंदन, विभूति या फिर भस्म का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। आगे बात करें मंगलवार की, तो इस दिन हनुमान जी की विशेष आराधना की जाती है और इस दिन का स्वामी ग्रह मंगल है। ऐसे में मंगलवार के दिन लाल चंदन या फिर चमेली के तेल में खुला हुआ सिंदूर का तिलक लगाने से काम में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और हनुमान जी की कृपा से मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन के ग्रह स्वामी बुध हैं। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूखे सिंदूर का तिलक लगाना बेहद शुभ होता है। ऐसा करने से व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है और हर काम में सफलता हासिल होती है। तो वहीं गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं। इस दिन सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें केसर मिलाकर तिलक लगाएं। मान्यता है कि इससे धन संबंधी समस्या दूर होती है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन के ग्रह स्वामी शुक्र हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन लाल चंदन का तिलक लगाने से घर में सुख सुविधाओं का वास होता है। इस दिन सिंदूर का भी तिलक लगाने से लक्ष्मी जी की अपार कृपा बरसती है। आगे बताते चले कि शनिवार का दिन काल भैरव, शनिदेव और यमराज का दिन होता है। इस दिन के ग्रह स्वामी शनि हैं। इस दिन विभूति या भस्म का तिलक करने से शनि के दुष्प्रभाव खत्म होते हैं और जीवन के कष्टों से भी आपको मुक्ति मिलती है। आखिरी में आपको बता दें कि रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन के ग्रह स्वामी सूर्य हैं, जो ग्रहों के राजा भी हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन लाल चंदन या रोली का तिलक लगाना बेहद लाभकारी माना गया है। इससे मान सम्मान बढ़ता है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, आप भी अगर हर कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो दिन के अनुसार तिलक अवश्य लगाएं। कुंडली टीवी डेस्क से तान्या की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।